अगर हम जिम के स्ट्रेचिंग के बारे में बात करें तो हम बेसिकली दो तरीके का ही जिम में स्ट्रेचिंग करते हैं, राइट। एक एक डायनेमिक स्ट्रेचिंग, एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब डायनेमिक स्ट्रेचिंग में एक्सरसाइज के पहले या एक्सरसाइज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टैटिक स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम है। रिसर्च में देखा गया कि अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग मोड परफॉर्म करते हो एक्सरसाइज के पहले तो स्ट्रेंथ लॉस होने के चांसेस है। उसके बाद मैं ये पर्सनली देखा हूँ कि एक्सरसाइज के पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हो तो थोड़ा सा मसल में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड फ्लो कम होता है, सीएनएस इतना एक्टिव नहीं होता, राइट। वहीं पर अगर आप एक्सरसाइज के बाद करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आप ओवर स्ट्रेच कर सकते हो मसल के। तो अगर आप स्ट्रेचिंग करना चाहते हो तो एक अलग से दिन ढूंढो, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म। कुछ कुछ वक्त आपको शायद स्टैटिक स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़े, लाइक अगर आपको स्क्वाट्स में एंकल मोबिलिटी का इशू है वहाँ पर आपको पड़ सकता है, शोल्डर मोबिलिटी का इशू है वहाँ पर आपको पड़ सकता है, रिस्ट में अगर थोड़ा सा मोबिलिटी का इशू है, अगर पुशअप वगैरह करते हो बहुत लोगों का रिस्ट अगर ऐसे करने से पेन होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग का ज़रूरत पड़ सकता है। तो कुछ जगह पर आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा एक्सरसाइज के पहले, वो आपको हेल्प करेगा। बट हर एक मसल को होल्ड करके स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज के पहले या एक्सरसाइज के बाद। एक अलग से दिन ढूंढो, देन स्ट्रेचिंग परफॉर्म करो।